लंकेश न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर यह सवाल उठता है कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में अमीर लोग, नेता, अधिकारी अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते और ना ही अपने परिजनों का इलाज कराते। क्या सरकारी संस्थान इतने गए गुजरे हैं कि यहाँ सिर्फ गरीबों को ही मजबूरी में आना पड़ता है? अब देश की एक IAS बिटिया ने ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत की है। यह है चमोली जिले की DM स्वाति भदौरिया। स्वाति ने आज अपने 2 साल के बेटे का एडमिशन गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया। गोपेश्वर गांव के इस आंगनवाड़ी केंद्र में आज DM साहिबा खुद आईं और अपने बेटे अनुभूत का एडमिशन करवा कर उसे वहीं छोड़कर ड्यूटी पर चली गई। बच्चे ने पूरे दिन अपने अन्य साथियों के साथ सामान्य जीवन जिया, जैसा इस आंगनवाड़ी केंद्र में बाकी बच्चे जीते हैं। स्वाति ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में कहा कि वो चाहती हैं कि उनका बच्चा एक आम भारतीय की तरह बड़ा हो, जिससे उसे समाज और देश की सही जानकारी मिल सके और उसका मानसिक विकास भी अच्छे से हो। आपको बता दें कि स्वाति के पति नितिन भदौरिया भी IAS अफसर हैं, जिनकी पोस्टिंग अल्मोड़ा में है। तो दोस्तों, इस अफसर बिटिया के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक लंकेश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।